हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। हमने अपना छठा मॉड्यूल ख़त्म कर दिया है, अब हम सातवें मॉड्यूल में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ऑडिट, आईएएस ऑडिट प्रोसेस। आईएएस ऑडिट प्रोसेस में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के रिस्क और कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो बेसिकली हमारी स्टडी बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में बहुत सारी बात कहती है, लेकिन उसकी समरी क्या है, जिस्ट क्या है? उसकी समरी ये है कि वो ये कहती है कि नॉर्मल जो ऑडिट होता है, नॉर्मल ऑडिटर जो ऑडिट करता है, वो किस चीज़ का ऑडिट करता है। असल में एक बिज़नेस होता है, बिज़नेस में एक, अगर देसी भाषा में बोला जाए तो बिज़नेस या धंधा, उसमें क्या होता है कि जो व्यापारी आदमी बैठा होता है तो उसको दो काम कर रहा होता है। एक तो प्रॉफिट को बढ़ा रहा होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा होता है, और एक अपने एसेट को सेफगार्ड कर रहा होता है। यानी कि जो भी एसेट हैं उसको सेफगार्ड कर रहा होता है, उनको एफिशिएंटली यूज़ कर रहा होता है। जो उसने, एक तो पूंजी को संभाल के रखना और दूसरा धंधा बढ़ाना, धंधे में, व्यापार में प्रॉफिट लाना, दो ही एम है, पूंजी को सुरक्षित रखना यानी एसेट्स को सेफगार्ड रखना, और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना। रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो दो भागों में स्प्लिट होंगे। एक तो रिसोर्स को जब आप एफिशिएंटली यूज़ करते हो तो रिसोर्स को लंबे समय तक आप रखते हो, केयरलेसली यूज़ करते हो तो रिसोर्स ख़राब हो जाता है, और दूसरी बात एफिशिएंटली यूज़ करते हो तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो। तो यानी कि दो ही चीज़ें हैं धंधे में, दो ही चीज़ें हैं। आपको अपना एसेट मेंटेन करना है, या जो पूंजी लगाई, पूंजी से क्या क्रिएट हुआ, एसेट क्रिएट हुआ, जो एसेट है उसको बरकरार रखना है, पूंजी को बरकरार रखना है, और प्रॉफिट क्रिएट करना है। ये दो चीज़ें हैं केवल। लेकिन ये पुराना जो ऑडिटर है, जो हम ऑडिट करते हैं, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन सिस्टम नॉर्मल ऑडिटिंग प्रोसेस क्या होता है, कि हम एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और हम अगर एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, एविडेंस को इवेल्युएट करेंगे, और ये डिटरमाइन करेंगे कि एसेट्स का सेफगार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एफिशिएंटली कंज्यूम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये तीन चीज़ हम करेंगे। यानी कि हम एसेट को सेफगार्ड करेंगे, यानी कि जो पूंजी लगाई है, जो एसेट है, वो सही सलामत रहना चाहिए। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट का मतलब पूंजी जो लगाई है वो सही सलामत रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एनजीओ हैं तो उनको अलग रख लेते हैं, एनजीओ हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके अलग गोल्स होते हैं। लेकिन धंधे, नॉर्मल धंधा, नॉर्मल कमर्शियल टर्म्स में हम समझने की कोशिश करते हैं, दो ही चीज़ होते हैं, पूंजी को बचाना और धंधे की वृद्धि करना, प्रॉफिट लाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट लाना। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो यही है, प्रॉफिट लाना और एसेट को सेफगार्ड करना। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को एफिशिएंटली कंज्यूम करना। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कंज्यूम करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज जो भी हैं, जो भी एसेट्स हैं, अगर आपको उसको एफिशिएंटली यूज़ करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट देंगे वो, और एसेट भी जिंदा रहेंगे लंबे समय तक। तो पूंजी भी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो पूंजी है आपकी, जो एसेट रूपी पूंजी है, जो कैपिटल रूपी पूंजी है, वो बरकरार रहेगी अगर आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करोगे, और वो ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट देंगे एफिशिएंटली यूज़ करोगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम
इंट्रोड्यूस हुए तो एक नई चीज़ पैदा हो गई, वो डेटा थी। बेसिकली डेटा क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा, डेटा कुछ नहीं होता इन, अगर कंप्यूटर में अगर आप डेटा बोलो तो कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, अचानक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पैदा हो गए। तो बाकी चीज़ें छोटी होती चली गई, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होते चले गए। आज फेसबुक है, $100 बिलियन की कंपनी है, क्या है, डेटा ही तो है वहाँ पर। बेसिकली क्या रखा हुआ है वहाँ पर, सॉरी कोई चीज़ नहीं रखी हुई, डेटा रखा हुआ है। और जो डेटा उनके सर्वर फार्म है, फेसबुक का सर्वर फार्म है, वहाँ पिक्चर्स वगैरह रखी हैं, वो क्या है, वो 0101 रखे हुए हैं। यानी कि एक हार्ड डिस्क है, बहुत सारी हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क में 0101 लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन लिखावट 0101 लिखी हुई है, 01 भी नहीं है। जैसे जो हमने बोला कि जब रिकॉर्डिंग होती है हार्ड डिस्क में तो गड्ढे बन जाते हैं या नॉर्मल स्पेसेस बन जाती हैं, तो गड्ढे का मतलब 0 हो जाता है, नॉर्मल स्पेसेस का मतलब 1 हो जाता है। जहाँ पर गड्ढा नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई नॉर्मल स्पेस होगी जहाँ पर डेटा लिखा जाएगा। पहली जगह आप गड्ढा बनेगा, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ी जाएगी, और फिर गड्ढा या वन पिट और पिथ दो चीज़ें होंगी, और वो इसी तरीके से वो रिकॉर्ड होगा सारा डेटा। अगर स्विचेस के टर्म्स में देखा जाए, ऑन या ऑफ होगा, ऑफ होगा तो 0 मान लिया जाएगा, ऑन होगा तो 1 मान लिया जाएगा। और यही मेथड होती है डेटा को रिकॉर्ड करने की, डेटा को कैलकुलेट करने की। तो डेटा क्या है, 0101 रखे हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आ जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मान लिया आपका हायर वोल्ट है, 220 से 240 वोल्ट तो 1 मान लिया, 0 से 12 वोल्ट आई तो उसे 0 मान लिया, 220 से 240 1 और 0 से 12 से 14 वोल्ट आई तो आप उसे 0 मान लिया। तो बेसिकली डेटा पैदा हो गया और डेटा इंपॉर्टेंट होता चला गया, डेटा इतना इंपॉर्टेंट होता चला गया कि बड़ी बड़ी डेटा की कंपनी पैदा होगी दुनिया में। पहले तो डेटा को प्रोसेस करने वाली कंपनी बड़ी हुई, जैसे आपकी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह पैदा हुई, उसके बाद फेसबुक गूगल पैदा होगी जो जो डेटा को रखती थी, डेटा एक एसेट के रूप में बन गया। तो डेटा एसेट के रूप में बन गया तो क्या हुआ, पहले क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन में पोथियाँ होती थी, बुक्स होती थी, उन्हें आपको लिखना पड़ता था और उसमें से डेटा निकलना बहुत मुश्किल होता था। एक बार आपने बुक्स लिख दी तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंट्रोल होता था, बुक्स वहाँ रहती थी, पुराने साल की बुक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं थी, करंट ईयर की बुक्स यूज़ होती थी। अगर पुराने साल की बुक से कोई डेटा निकालना पड़ता था तो आप अकाउंटेंट के पास जाते थे, वो उसकी मिन्नत करते थे, फिर वो जाता था डेटा निकालता था, उसको एक जगह पर लिखता था, फिर आपके पास भेजता था, एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि आपके पास सॉरी टेट्राबाइट्स की हार्ड डिस्क आ गई है और उसमें पूरी एक लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो। आज 5-60 टेट्राबाइट की हार्ड डिस्क आ गई है, कल की डेट में 100 टेट्राबाइट की लाने की सोच रहे हैं, फिर 1000 टेट्राबाइट हो जाएगी, फिर 1024 यानी 1000 के करीब तो एक पीटाबाइट की हार्ड डिस्क आ जाएगी। सॉरी तो उस हार्ड डिस्क में आप पूरी एक लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन रख सकते हो और उसको एक बटन दबा के मिटा भी सकते हो। तो यानी रिस्क बहुत बढ़ गया, डेटा से आप चीज़ों को कंट्रोल करने लगे। कुछ ह्यूमन बीइंग पहले क्या था कि नॉर्मल काम करने करता था, धीरे धीरे वो काम ऑटोमेट होता चला गया, ऑटोमेशन होते 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 आदमी हटा दिया हटाए जाने लगा चेन से, क्योंकि आदमी पैसा मांगता है। चीज़ों को ऑटोमेट करोगे तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आदमी छुट्टी मांगेगा, मशीन छुट्टी नहीं मांगेगी, आदमी रिलायबल तरीके से काम नहीं करेगा, मशीन रिलायबल तरीके से काम करेगी, आदमी फ्रॉड करेगा, मशीन फ्रॉड नहीं करेगी। तो बेसिकली लोअर लेवल ऑफ जॉब्स, रेगुलर लेवल ऑफ जॉब्स जिसमें आदमी बोर हो जाएगा, मशीन बोर नहीं होगी, वो मशीन्स को दिए जाने लगे, वो ऑटोमेट होने लगे, और फिर ऑटोमेशन को कंट्रोल करने के लिए आदमी को बैठा दिया गया और वो ऑटो वहाँ पर सेंसर्स लगा दिए गए और वो सेंसर्स डेटा भेजने लगे। तो यानी डेटा महत्वपूर्ण होता गया, डेटा बेस्ड कंपनी बनती गई और डेटा आज की डेट में हर कंपनी में महत्वपूर्ण हो गया। डेटा हर कंपनी का एक मेन एसेट बन गया है, बाकी एसेट्स की वैल्यू कम होती गई है लेकिन डेटा की वैल्यू बढ़ती चली गई है। तो यही हमारी स्टडी बता रही है, इसी को घुमा फिरा के हमारी स्टडी बताएगी।
तो सबसे पहले हमारी स्टडी कहती है कि रॉन वेबर जो है उसने अपनी बुक में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट करके उसकी बुक है, उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग को उसने डिफाइन किया है। और उसने ये बोला है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग एक एविडेंस का कलेक्शन करते हो और एविडेंस को आप इवेल्यूएट करते हो, बेसिकली एविडेंस देखते हो और उस पर ओपिनियन देते हो उस एविडेंस पर। अब वो एविडेंस के का को हमें कलेक्ट करना पड़ता है और उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है। तो उसी वो उस एविडेंस को के कलेक्शन की प्रोसेस और इवेल्यूएट करने की प्रोसेस है। एक बार पहले आप कलेक्ट करोगे पहले और फिर उसको इवेल्यूएट करोगे और फिर उसके बाद उस पर ओपिनियन दोगे। तीन चीज़ करोगे एविडेंस के साथ। एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एविडेंस किस किस का एविडेंस है? एविडेंस ये है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एसेट को सेफ गार्ड कर रहा है, पूंजी को सेफ गार्ड कर रहा है। दूसरी बात, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेटा बहुत वैल्यूएबल एसेट हो गया। तो यानी दो चीज़ें बोलता है, एक तो एसेट को सेफ गार्ड करना और वो रीएम्फसाइज करता है एसेट में ही, डेटा आज की डेट में एसेट हो गया। वो बोलता है जो डेटा रूपी एसेट है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही, ये देखना। तो पहली चीज़ सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, दूसरी मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी, तीसरी चीज़ अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टू बी अचीव्ड एफिशिएंटली। क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसा सिस्टम है कि नहीं है। अगर ऐसा सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स क्या हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, तो वो गोल्स एफिशिएंटली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और चौथा वो बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेज एफिशिएंटली कंज्यूम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एफिशिएंटली कंज्यूम हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो यानी रॉन वेबर ये कहता है कि हम ऑडिटर हैं, हम एक कंपनी में जाते हैं और हमारा काम केवल ओपिनियन देना होता है। ओपिनियन देने से पहले हम एविडेंस लेते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले और उसको इवेल्युएट करते हैं और उसी एविडेंस में के बेसिस पर हम ओपिनियन देते हैं। वो एविडेंस किसके लिए होता है? वो एविडेंस होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए। कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या चीज़ देखते हैं, किस चीज़ का एविडेंस देखते हैं कि ऐसा सेफगार्डेड है कि नहीं है, पूंजी जो है चोखो है कि नहीं है, रखी है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन है कि नहीं है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है, डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है, डेटा और डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सफिशिएंटली मीट आउट होने चाहिए और फिर वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज एफिशिएंटली कंज्यूम होने चाहिए। तो यानी ये चार चीज़ें रॉन वेबर बोलता है। वो जब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को डिफाइन करता है तो इन चार चीज़ों को सही तरीके से रखने के लिए बोलता है। एसेट को सेफगार्ड करने के लिए, डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए, और चौथा है ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली मीट आउट होनी चाहिए, सॉरी एफिशिएंटली नहीं, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में। इफेक्टिव का मतलब ये है गोल्स मीट आउट होनी चाहिए, एफिशिएंट का मतलब ये एफिशिएंसी के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मीट आउट होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए और एफिशिएंटली कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके होनी चाहिए। इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग कहते हैं और यही हम करेंगे। एविडेंस का कलेक्शन करेंगे, एविडेंस को इवैल्यूएशन करेंगे और उस पर ओपिनियन देंगे। और किस पर देंगे? कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें एसेट की सेफगार्डिंग करेंगे, डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करेंगे। और डेटा इंटेग्रिटी को क्यों मेंटेन करेंगे? डेटा इंपॉर्टेंट एसेट हो गया, सारे एसेट से इंपॉर्टेंट एसेट आज की डेट में डेटा हो गया और आने वाले समय में डेटा ही इंपॉर्टेंट रह जाएगा। चीज़ों की वैल्यू कम होती चली जाएगी डेटा के मुकाबले में। जो कंपनी डेटा को मैनेज कर रही होगी वो वैल्यूएबल होती चली जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग आएगा तो डेटा की वैल्यू और बढ़ने वाली है। ट्रिलियन डॉलर कंपनी जो होगी वो डेटा की ही होगी। हिंदुस्तान जो है वो 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। हिंदुस्तान में साल में 1900 बिलियन डॉलर का माल पैदा किया जाता है। यानी 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया। 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन डॉलर होगी, जैसे आपकी ये जो आईफोन्स वगैरह बनाती है, नाम मैं बोल रहा हूँ, उसकी 700 बिलियन डॉलर्स हो गई है। 1000 बिलियन का मतलब होता है 1 ट्रिलियन डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी डेटा रिलेटेड कंपनी होगी ये माना जाता है।
डेटा इतना वैल्यूएबल होता है। फेसबुक में अगर उसके सर्वर फार्म में डेटा गायब कर दिया जाए तो 100 बिलियन डॉलर की कंपनी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, रह जाएगी। 100 बिलियन डॉलर फेसबुक है, 1900 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान के सारे 125 करोड़ भारतवासी मिलकर सामान पैदा करते हैं, तो डेटा की इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है। तो कन्वेंशनल ऑडिटिंग में क्या होता है कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑडिट हम करते हैं और एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल लेते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लेते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो एविडेंस को ऑब्जेक्टिवली ऑब्टेन करता है और उसके बाद कुछ चीज़ें इवेल्यूएट करता है। पहली चीज़ है वो ये इवेल्यूएट करता है कि मैनेजमेंट के जो एसर्शंस हैं, यानी मैनेजमेंट ने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोल रहा है, यानी मैनेजमेंट जो बता रहा है, मैनेजमेंट द्वारा जो बैलेंस शीट दी गई है, मैनेजमेंट एसर्शंस बैलेंस शीट के रूप में और या उसके स्टेटमेंट के रूप में, वो सही है कि नहीं सही है उसके बारे में ओपिनियन देना ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। सिंपल। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं, उन्हीं के अनुसार ऑडिट किया जाता है। कन्वेंशनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट तकरीबन सेम प्रोसेस होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में बेसिक प्रमाइसिस जो ऑडिट का होता है वो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का अप्रेजल। बिजनेस को क्या रिस्क अराइज हो रहा है आईटी और उसके रिलेटेड रिस्क से, और ये क्यों हुआ, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। डेटा कुछ सेकंड में गायब हो सकता है, डेटा इंस्टेंटली डिलीट किया जा सकता है, और एक पेन ड्राइव में आज 64 GB की पेन ड्राइव आ गई है, कल की डेट में इतनी छोटी जीबी, इतनी ड्राइव जो होगी वो एक टेट्राबाइट की होगी, कुछ दिनों बाद इतनी छोटी ड्राइव में 100 टेट्राबाइट्स होगी। 100 टेट्राबाइट्स का मतलब है यूएस कांग्रेस की, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है उसका डेटा उसमें होगा, और उसको एक डिलीट बटन दबा के डिलीट किया जा सकता है, यानी रिस्क बढ़ गया है। सबसे वैल्यूएबल एसेट जो डेटा है उस वो एक बटन दबा के डिलीट किया जा सकता है। यानी कि अगर ये सोच लीजिए फेसबुक का डेटा डिलीट कर दिया गया तो क्या होगा, रिस्क बहुत बढ़ गया है। 100 बिलियन डॉलर की कंपनी जो हिंदुस्तान पूरा 1900 बिलियन डॉलर है एक साल में पैदा करता है, 100 बिलियन डॉलर फेसबुक का वैल्यूएशन है, ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर है, वो कल सुबह वाइप ऑफ हो जाएगी एक बटन दबाने की देर है। एक बटन तो नहीं, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ सॉरी अगर उसका डेटा वाइप ऑफ हो जाए, डेटा इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, रिस्क इतना बढ़ गया है, आईटी की वजह से ये रिस्क बढ़ा है। आईटी की वजह से रिस्क क्यों बढ़ा है, क्योंकि पैसा किसको देना पड़ता है, आदमी को देना पड़ता है। कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा, पैसा आदमी को देना पड़ता है, आदमी कुछ सामान पैदा करता है, तो जब सामान पैदा करते हैं तो आदमी को पैसा देते हैं और वही उस गुड्स की वैल्यू हो जाती है। पहले क्या होता था, आदमी ही होता था, सामान वो पैदा कर रहा होता था, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेशन आने लगा, हम उस चेन में आदमी को हटाने लगे ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो चेन में आदमी हटता चला गया। आज भी चेन में आदमी है लेकिन आदमी उस फाइनली उस चीज़ को आदमी कंट्रोल करेगा, तो डेटा महत्वपूर्ण होता चला गया, धीरे धीरे डेटा एक्सप्लोड करता चला गया। आज डेटा एक्सप्लोड कर रहा है और बिग डेटा आ गया आज की मार्केट में। बिग डेटा जो है आज का टाइम में बिग डेटा का, और उस डेटा की वैल्यू बढ़ती चली गई, क्योंकि वही डेटा से हम कंट्रोल कर सकते थे, वही डेटा से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा किसकी वजह से इंपॉर्टेंट हुआ, आईटी की वजह से इंपॉर्टेंट हुआ। तो आईटी में रिस्क मैनेजमेंट बहुत बढ़ गया, क्योंकि डेटा अब भाग रहा था। एक आपने कंप्यूटर खोला, कॉपी पेस्ट किया और 100 ईमेल आईडी डाली और बटन दबाया, डेटा पूरी दुनिया में चला गया। आज की डेट में क्या होता है कि कई बार क्या है, किसी नेता वगैरह के वीडियोज़ आ जाते हैं, कोई गलत बोल रहा है, केजरीवाल जी अगर कुछ एक गलती से कुछ गलत उस शब्द बोल देते हैं तो वो डेटा ही तो है। डेटा एक सेकंड में दुनिया में फैल जाता है एक सेकंड तो एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बहुत सारे नेता हैं उनकी उल्टी सीधी तस्वीरें जो हैं, अचानक वो डेटा किसी के हाथ पड़ जाता है और वो चारों तरफ फैल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि कंप्यूटराइजेशन हुआ, और कंप्यूटराइजेशन ऑटोमेशन देता है। ऑटोमेशन क्या करता है कि
लोअर लेवल जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है, हायर लेवल में डेटा है और वो डेटा धीरे धीरे सेंसर्स पैदा होते जा रहे हैं। ये माना जाता है ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स पैदा हो जाएंगे, अगर 2020 तक पहुँचते ही ट्रिलियंस ऑफ सेंसर्स होंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे और उससे हम इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज करेंगे। तो इकोनॉमिक सिस्टम, बाकी नीचे इकोनॉमिक सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटेड हो जाएगा तो पूरा आईटी जो है उस इकोनॉमिक सिस्टम को एफिशिएंट बना रहा है। लेकिन आईटी किस पर खेल रहा है? फाइनली डेटा पर खेल रहा है, क्योंकि आईटी कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देंगे। बेसिकली डेटा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कहीं पर जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगे 0101 के रूप में, स्विचेस के रूप में, ऑन ऑफ स्विचेस के रूप में, और वही स्विचेस इंपॉर्टेंट है, वही इकोनॉमिक सिस्टम्स में वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती चली जाएगी। तो इस वजह से जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में बेसिक प्रमाइसिस ऑडिट का ये है कि अब आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल करना है रिस्क मैनेजमेंट का, बिजनेस के लिए रिस्क, भागते हुए डेटा कहाँ तक पहुँच जाएगा, किसके पास पहुँच जाएगा। आपने एक मेल में डाला, 100 मेल आईडी डाले, एक बटन क्लिक किया और 100 जगह पहुँच गया और वो दुनिया के सारे सारे कोने में पहुँच गया। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन, अगर कल की डेट में क्या है कि आप मूवी में देखते थे कि एक किसी बंदे ने कोई गलत नेता की, गुंडे नेता की फ़ोटो ले ली, अब फोटो लेकर भागता जा रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, गुंडे भी उसके पीछे भाग रहे हैं, नेता के गुंडे उसके पीछे भाग रहे हैं ताकि उसको पकड़ लें। लेकिन आज की डेट में उसे करने की क्या ज़रूरत है? अगर एक फ़ोटो ले ली, फ़ोटो उसने क्या कहते हैं यूट्यूब में अपलोड कर दी, एक मिनट में वो सारी दुनिया में वायरल हो जाएगी, या 100 अखबारों के न्यूज़पेपर के ईमेल आईडी ली, उसको अपलोड किया, बटन दबाया, 100 लोगों के पास इंस्टेंटली डेटा पहुंच जाएगा। डेटा फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं, तो डेटा भाग रहा है, डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और कई जगह पर डेटा की अवेलेबिलिटी उसने बढ़ा दी और मैसिव अवेलेबिलिटी बढ़ा दी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी में अवेलेबिलिटी की जीत होने लगी, डेटा हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास पहुँचाने लगा, उससे हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके डिसीजंस लेने लगा और इफेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन को बनाने लगा। लेकिन डेटा जो है गलत आदमी के हाथ भी पड़ सकता है, पड़ने के चांसेस होने लगे, जिससे कि बिजनेस जो है करप्ट हो सकता था। और आप जो डेटा को रख रहे हैं वो आदमी आपके कंपनी ही नहीं, पूरी दुनिया में से कोई भी सबोटाज कर सकता है डेटा को। ये कैपेबिलिटी इंटरनेट ने दे दी, दुनिया को एक पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग में एक बेसिक प्रमाइसिस जो ऑडिटिंग का है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली एक अप्रेजल करना होगा रिस्क मैनेजमेंट का, कि बिजनेस का रिस्क, बिजनेस को आईटी और आईटी रिलेटेड रिस्क से क्या इफेक्ट हो सकता है। आईटी अगर ड्रग मेकिंग कंपनी है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और मान लिया ड्रग रिसर्च नहीं करती है थोड़ी देर के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन एक रिसर्च वाली ड्रग मेकिंग कंपनी है, एलएलई और जॉनसन जैसी कंपनी है, तो वहाँ पर क्या है, रिसर्चेज हो रही होंगे और वो रिसर्चेज कॉन्फिडेंशियल होंगी, डेटा बाहर निकल जाएगा, रिस्क हो जाएगा, तो वहाँ पर रिस्क देखना पड़ेगा। आईटी की कंपनी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आईटी की कंपनी विप्रो इन्फोसिस, अगर उनका सॉफ्टवेयर लीक हो गया तो रिस्क हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया तो रिस्क हो जाएगा, उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो वहाँ पर रिस्क हुए, आईटी और आईटी रिलेटेड रिस्क को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी स्टडी बड़े टिपिकल वे में बताती है, लेकिन इसको समझाने का यही तरीका है। डेटा की वैल्यू को समझिए, डेटा क्यों अराइज हुआ, आईटी की वजह से अराइज हुआ, और डेटा क्या कर सकता है, डिजास्टर हो सकते हैं डेटा के साथ। तो आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, इसीलिए आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे आईटी का, आईटी और आईटी रिलेटेड रिस्क को एवेल्युएट करेंगे और मैनेज करेंगे, और उससे बिजनेस को क्या रिस्क हो सकता है ये आप देखेंगे। तो बेसिकली अगर मान लिया सपोज आईएएस ऑडिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप हैं और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू करेंगे, फिर ऑडिट की प्लानिंग करेंगे, और फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे। इसके बाद आपकी फाइंडिंग्स आएंगी, फाइंडिंग्स को आप डिस्कस करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे और उसका फॉलोअप करेंगे, इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो बेसिकली ये काम करेंगे, और ये नॉर्मल ऑडिटर का यही काम है। नॉर्मल ऑडिट ऑडिट करता है, उसके बाद डिस्कशन करता है, उसके बाद रिपोर्टिंग और फॉलोअप करता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं ऑडिट के चेंज हुए नहीं हुए, लेकिन प्रस्पेक्टिव्स चेंज हो गए, मेथड्स चेंज हो गए, टूल्स चेंज हो गए, टेक्निक्स चेंज हो गए।
किस तरह से ऑडिट करनी है उसके टूल्स टेक्निक्स मेथड्स चेंज हो गए। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में रिस्क में ज़्यादा फोकस हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, डेटा भागने लगा, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है डेटा, डेटा वैल्यूएबल हो गया। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग से दूसरी रिलेटेड प्रोसेसेस जुड़ गई क्योंकि दूसरी प्रोसेसेस ऑटोमेट हो गई और वो फाइनली उसको कौन कंट्रोल करने लगा, आदमी कंट्रोल करने लगा, किससे, सिस्टम से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, और किसके थ्रू डेटा को, डेटा की फीड आई उसी के अनुसार उसके डिसीजन होने लगे। तो हमें ऐसे ऑडिट प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी, उनकी नॉलेज और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी जो इन रिस्क को समझते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और कंट्रोल्स को समझते हैं और उसके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेसेस में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कंपनी में जाते ही कि अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम के वॉयलेशन होंगे तो यहाँ पर किस लेवल का नुकसान हो सकता है। तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में एक कंपनी में जाएंगे, वहाँ के रिस्क देखेंगे, सिक्योरिटी देखेंगे, कंट्रोल्स देखेंगे और मैनेजमेंट को बताएंगे कि भाई जो आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो एडुकेट है या अप्रोप्रिएट है। रिस्क मैनेजमेंट का हम सेपरेट चैप्टर पढ़ चुके हैं और वहाँ पर हम जान चुके हैं कि कौन कौन से रिस्क होंगे, किस तरह से इवेल्युएट करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आप देखोगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट IAS ऑडिटर में डेटा की वैल्यू होने के कारण IAS रिस्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी देखोगे और कहोगे कि जी एक्यूरेट एडुकेट है और अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एडुकेट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, नहीं है तो आप उसको बताओगे कि भाई नहीं है, क्या इंप्लीमेंटेशन, फिर उसे क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी होगी ये भी बताओगे और फिर वो इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी आप देखोगे डिपेंडिंग अपॉन आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। तो लेकिन उसको बताने के पहले, रिस्क असेसमेंट को बताने के लिए पहले IAS ऑडिटर को IAS रिस्क के बारे में जानकारी होनी चाहिए, थ्रेट्स वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बारे में होनी चाहिए, कंट्रोल्स कौन से अवेलेबल हैं उनके बारे में होनी चाहिए। और रिस्क मैनेज करेगा तो कुछ रेजिडुअल रिस्क रह जाएंगे, यानी कुछ रिस्क रह जाएंगे, कंट्रोल्स लगाएगा, उसने एंटीवायरस लगा दिया, फायरवॉल लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुस गया, फिजिकली नहीं लॉजिकली घुस गया, तो अगर लॉजिकली घुस गया तो कुछ ना कुछ रिस्क, रेजिडुअल रिस्क क्या है वो आपको मैनेजमेंट को बताने पड़ेंगे, ये रेजिडुअल रिस्क बचे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ रेजिडुअल रिस्क बचेंगे, कुछ इनहेरेंट रिस्क बचेंगे, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल इन्वायरमेंट जो IT ड्रिवन एन्वायरमेंट है उसमें इनहेरेंट रिस्क होंगे, कुछ रिस्क तो होंगे ही, जैसे डेटा लॉस का रिस्क हो सकता है, डेटा के करप्शन का रिस्क हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मॉडिफिकेशन का रिस्क हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही तो अंदर घुसना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, लॉजिकल एक्सेस गलत तरीके से लॉजिकल एक्सेस हो सकती है और पूरे डेटा को लॉजिकल गलत है, लॉजिकल एक्सेस हुई और कहा कि डेटा को डिलीट कर दो, सारा डेटा चला गया, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, डेटा अचानक गायब हो गया। तो छोटी सी जगह में, छोटे से मीडिया में, छोटे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बल्कि अभी पता चला है डिस्कवरी न्यूज़ आ रही है कि एक DNA के बराबर की चीज़ में पूरी दुनिया का डेटा रखा जा सकेगा। यानी सोचिए कि एक साल का डेटा रखा जा सकेगा, मालूम पड़ा ये है कि साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ साल बाद, 20 साल बाद या समथिंग, इतनी छोटी या नॉर्मल पेन ड्राइव में पूरी जितनी आदमी की हिस्ट्री हुई है, जितना डेटा अवेलेबल है, वो सारा एक डिस्क में आ जाएगा और उसे बटन दबाते ही कुछ सेकंडों में वाइप ऑफ भी हो जाएगा। तो ये सारे रिस्क, ये सारे वनरेबिलिटी, ये मैसिव वनरेबिलिटी आ जाएगी। और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत वैल्यूएबल है, इस डेटा को क्रिएट करने में मालूम पड़ा कितने साल, सेंचुरीज लग गए, लेकिन डेटा को मिटाने में एक सेकंड। तो हमें ये देखना पड़ेगा डेटा लॉस ना हो, इंटेग्रिटी में वो ना हो, वायरस आ गया उसने मालूम पड़ा डेटा का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। अब मूवी देखनी है, देख लो मूवी, आपको पूरी आर्काइव्स बना रखी है मूवी की, लेकिन अब देख लो मूवी दिखेगी नहीं, डेटा को समझ लो नहीं समझ में आएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम हाईली वल्नरेबल हो गए,
एरर ओमिशन इलेक्ट्रॉनिक एब्यूज़ बढ़ गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो था ही, पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट बैठा होता था वही अब्यूज़ कर सकता था, अब क्या है पूरी कंपनी कर सकती है, कंपनी ही नहीं दुनिया में कोई भी कर सकता है, कोई हैकर कर सकता है। और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, आपने अगर अपने एसेट्स अपग्रेड नहीं किए तो सिक्योरिटी कंट्रोल वीक्स हो जाएंगे, और सिक्योरिटी कंट्रोल्स वीक हो जाएंगे तो कोई भी उसे हैक कर सकता है। तो कंप्यूटर क्राइम बढ़ता चला गया, कंप्यूटर क्राइम जो है क्रॉस बॉर्डर हो गया, यानी कि हिंदुस्तान में मालूम पड़ा पाकिस्तान का हैकर हैक कर रहा है, आप कर लो जो कुछ करना है, अगर आपको पता भी चल गया उसका नाम, एक और उसने कहा जी मैं हाफिज सईद टू हूँ, आपको उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब टिपिकल प्रॉब्लम्स आती चली गई और डेटा और इम्पोर्टेंट होता चला गया, ऑटोमेशन और बढ़ता चला गया। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी कंप्यूटर फेलियर्स एरर नेगलिजेंस मैनिपुलेशन की वजह से तो नहीं हो रहा, पर्टिकुलरली इनसाइडर मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, इनसाइडर एरर और नेगलिजेंस तो होते ही हैं, इनसाइडर मैनिपुलेशन ना करे, तो ये सारी चीज़ की ओपिनियन देगा ऑडिटर, इन सब चीज़ों को ऑडिट करेगा और ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस देगा मैनेजमेंट को कि कंप्यूटर डेटा और उसके रिलेटेड कंट्रोल स्ट्रांग है और डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनहेरेंट रिस्क, हमने कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क दो रिस्क पढ़े थे, नॉर्मल ऑडिटिंग में, इंटरनल ऑडिट्स नॉर्मल में हमने पढ़े थे। इनहेरेंट रिस्क कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो होते ही हैं, जो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो साल में एक आध दो एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, गाड़ी चल रही है तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होंगे होंगे। गूगल की ड्राइवरलेस कार आ रही है, कहा जा रहा है उसमें एक्सीडेंट नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी वो भी फेल होगी और वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली कुछ रिस्क हैं जो इनहेरेंट हैं, जो होंगे ही होंगे आप कितने ही कोशिश कर लो। तो वो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनहेरेंट रिस्क से आप किस लेवल तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल रिस्क से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का काम हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, नॉर्मल ऑडिटर प्लस रिस्क असेसमेंट ऑडिटर है, यानी कि फिर से मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, इंटरनल ऑडिटर, नॉर्मल ऑडिटर प्लस रिस्क असेसमेंट ऑडिटर हो गया। इसके अलावा हमारी स्टडी ये कहती है कि कुछ रिस्क बताती है, कुछ उसने कैटेगराइज किया है, जो मैंने बात बताई है वही बताई है, उसने टेक्निकल लैंग्वेज में बताई है, हाँ उसको सरल रूप में बात कर लेते हैं। तो हमारी स्टडी कहती है कुछ रिस्क हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के स्पेसिफिक हैं, जैसे डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बढ़ गई है, और टेलीकम्युनिकेशन की वजह से हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल लोकेशन में हम हों, तो इससे क्या है पोटेंशियल रिस्क जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है, एक्सपोजर का रिस्क बढ़ गया, डैमेज का रिस्क बढ़ गया, बिजनेस डैमेज हो सकता है, फेसबुक जैसी कंपनी जो प्योरली आपकी डेटा पर काम करती है उसको डैमेज हो सकता है, और बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी आजकल तो इकोनॉमी सॉफ्टवेयर, हमारी इकोनॉमी सॉफ्टवेयर बनाने की इकोनॉमी हो गई है या आउटसोर्सिंग की इकोनॉमी हो गई थी कुछ समय पहले तक, तो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी वो हो गया था। इवन आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस एंटरटेनमेंट बिजनेस है, एंटरटेनमेंट भी डेटा ही है, दो इंटरटेनमेंट बिजनेस अभी ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की जा सकती किसी ऑर्गेनाइजेशन में, पर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जा रही है, कंप्यूटर्स बढ़ते जा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी स्टडी कहती है कि एक्सपोजर और डैमेज के चांसेस बढ़ गए, काफ़ी बढ़ गए। दूसरा हमारी स्टडी कहती है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मालूम पड़ा एक सिंगल ट्रांजेक्शन जैसे ई बैंकिंग है तो उसमें क्या है सेवरल लोकेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और उसमें पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन लाइन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, दिल्ली से आप उठे, अचानक आपको मूड आया कि घूमने चलते हैं, शिमला में पहुंच गए, शिमला में आपका बैंक है एचडीएफसी, आप गए एसबीआई में वहां से पैसा निकाला, तो आपका बैंक अकाउंट कहीं और था, आप शिमला से आपने किसी और बैंक अकाउंट बैंक के एटीएम से पैसा निकाला, आपका बैंक कुछ और था, तो आपने डाला अकाउंट डाला तो एसबीआई के एटीएम से एसबीआई के डेटाबेस सर्वर में गया, वहाँ से कनेक्शन बना एचडीएफसी के आरबीआई को, आरबीआई से कनेक्शन बना एचडीएफसी को, आरबीआई के गेटवे बीच में
हर हर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में आर बी आई का गेट वे होता है। आर बी आई की गेट वे से एच डी एफ सी को कनेक्शन हुआ, एच डी एफ सी के सेंट्रलाइज डेटाबेस से पैसा डिडक्ट हुआ, उसने ऑथराइजेशन किया और आपको एस बी आई के ए टी एम से पैसा निकल गया। तो कई जगह का आपको पता भी नहीं चला, आर बी आई का सर्वर, एस बी आई का सर्वर, एस बी आई का ए टी एम, आपका अकाउंट जहाँ पर है वो डेटाबेस, वो सारे अफेक्टेड हो गए और वो सब अलग अलग जगह में। मालूम पड़ा एक सेकंड में आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मालूम पड़ा 500 किलोमीटर घूम गया, या यूएस से कोई रेजिडेंट आया यहाँ पर, उसने एक एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाला तो उसने कनेक्शन किया यूएस से, हज़ारों किलोमीटर का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सेकंडों में चल गए। तो इससे इससे एक आइडिया हो सकता है कि क्राइम, रिस्क ऑफ क्राइम कितना बढ़ गया, अब्यूज़ मिसयूज ऑफ कंप्यूटर कितना बढ़ गया, अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, डेटा का मैनिपुलेशन हो सकता है, डेटा इन ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमने पढ़ा रेजिडेंट डेटा होता है, डेटा इन ट्रांजिट होता है, दो टाइप की डेटा होते हैं, एक डेटा रेजिडेंट होता है, एक डेटा इन ट्रांजिट होता है। डेटा इन ट्रांजिट में काफ़ी प्रॉब्लम आ गई, मतलब आ सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, 2000 किलोमीटर चल रहे हैं, उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। आपने 5000 निकाला, कहीं 50000 उसने आपके अकाउंट में डेबिट कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही तो हैं, लेकिन वो सही रहते हैं, लेकिन उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर डेटा इन ट्रांजिट को मैनिपुलेट किया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये रिस्क है, रिस्क जो है बहुत बढ़ गया। तो हमारी स्टडी ये कहती है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जहाँ पर प्रोसेसिंग होगी तो वैलिडेशन चेक्स लगाएंगे। तो उससे क्या है कि वैलिडेशन चेक्स जो है उसकी वजह से जो क्रैकर हैकर वगैरह जो हैं वो कंट्रोल ज़्यादा सरकमवेंट नहीं कर पाएंगे कंट्रोल को। तो प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए, पुअर कंट्रोल होंगे, इम्प्रॉपर सिस्टम सेटिंग है या कोई और रीज़न हो, तो वो उसे जो कंप्यूटर है उसमें अटैक हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी रिस्क में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके रिलेटेड कंट्रोल्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एक्सपोजर हो जाएगा और डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका बिजनेस चले जाएगा। आज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया। तो कहने का मतलब, हमारी पूरी स्टडी बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलती है। आप पढ़ोगे प्लेन रीडिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, आप बहुत बोर भी हो जाओगे, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम ऑटोमेट होते जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग हटाया जा रहा है सिस्टम से, नीचे लेवल के जॉब्स में ह्यूमन बीइंग हटाया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग पैसा मांगता है, ह्यूमन बीइंग अनरिलायबल होता है, ह्यूमन बीइंग एरर क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग फ्रॉड क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग इनफ्लेक्सिबल होता है, ह्यूमन बीइंग को काम करते करते बोर्डम हो जाता है, नींद आ जाती है, पॉलिटिक्स करता है, कई बार वो काम करके नहीं करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो सिस्टम से ह्यूमन बीइंग को हटा दो, जहाँ से हटा सकते हो, तो सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है। तो जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती जा रही है वहाँ पर ह्यूमन बीइंग को हटाया जा रहा है और सिस्टम को ऑटोमेट किया जा रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है, लेकिन उस सिस्टम को फाइनली कंट्रोल करना पड़ रहा है। फाइनल कंट्रोल करने के लिए फिर ह्यूमन बीइंग है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है, नो डाउट, लेकिन अब उसके पास डेटा आ रहा है और उसी डेटा पर उसे खेलना होगा और वो डेटा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा बेस्ड होते जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है वो जा रहा है डेटा होता जा रहा है, क्योंकि नीचे के एसेट्स जितने भी जो फिजिकल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू घटती चली जा रही है, क्योंकि वो ऑटोमेटेड मेथोडोलॉजी से बन रहे हैं। अगर एक कार 100% ऑटोमेशन से बनेगी तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। अगर एक आप ये समझ लो ऑस्ट्रेलिया जैसा कॉन्टिनेंट है और वहाँ पर एक UFO आती है और सब लोगों को मार डालती है और अब वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है और एक फैक्ट्री बनाती है जो रोबोट्स की फैक्ट्री है, रोबोट बना रहे हैं, रोबोट अगर मान लिया सपोज सोलर एनर्जी है, रोबोट उसके लिए भी रोबोट है, रोबोट रोबोट को ठीक कर दे रहा है, रोबोट ही है चारों तरफ, तो वहाँ से जो कार निकलेगी उसकी वैल्यू कॉस्ट जीरो होगी। इसलिए जीरो होगी क्योंकि ह्यूमन बींग लगा ही नहीं, कि एक पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, ह्यूमन बींग है नहीं पूरे सिस्टम में, तो कार की कॉस्ट जीरो होगी। तो एसेट्स जितने भी हैं, मशीनरी जितनी है, ऑटोमेशन से बनती जा रही है और उनकी कॉस्ट कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी चेन में जितना ह्यूमन बीइंग है वो निकालते जा रहे हैं तो वो कम पैसा होता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है।
लेकिन जब वो फाइनल लेवल पर आपको अगर कंट्रोल करना है, अभी हम बीच के पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में, फुल ऑटोमेशन नहीं है, 100% ऑटोमेशन नहीं आया, तो जहाँ पर फाइनली जहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग डिसीजन ले रहा है, कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, और चूंकि वो डिसीजन ले रहा है, डिसीजन डेटा बेस्ड होने, डेटा पर बेस्ड होने, तो डेटा वैल्यूएबल हो गया, डेटा मेन असेट हो गया है। और जितनी भी लेजरली एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ हैं, वो डेटा पर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, डेटा को आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखते हुए इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो डेटा कल की डेट में इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, धीरे धीरे और इम्पॉर्टेंट होते चले जाएगा, और डेटा जो है वो छोटी सी डिस्क में मैसिव डेटा आएगा, डेटा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, डेटा को डिलीट करने में एक बटन लगेगा, इसलिए रिस्क हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टमेटेड में डेटा मैसिवली वैल्यूएबल हो गया, डेटा नहीं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम गिर जाएगा आपका, पूरा सिस्टम गिर जाएगा, पूरी चेन गिर जाएगी, अगर डेटा नहीं आ रहा होगा आपके पास, सही डिसीजंस नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली डेटा के वैल्यूएबल एसेट होने की वजह से इंफॉर्मेशन सिस्टम का बाई प्रोडक्ट है जहाँ से डेटा कंट्रोल होता है, और डेटा के इंपॉर्टेंट होने की वजह से वो रिस्क आ गया, और वही रिस्क के बारे में हमारी स्टडी बार बार बता रही है, इनडायरेक्ट वे में, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स में बता रही है, लेकिन उसका कहना यही है कि डेटा की वल्नरेबिलिटी, डेटा का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Thanks.